मैं पुणे के वल्लभ नगर से रहने वाला हूँ। बहुत दिन से यूट्यूब पे सर्च कर रहा था ट्रांसप्लांट के लिए। इसके पहले भी एक यूट्यूबर से बात किया, उसने बोला कि हाँ क्लिनिक है ऐसा वैसा। गया उधर तो वो क्लिनिक में गया, डॉक्टर से बात किया तो डॉक्टर बोल रहा था कि आपको 3-3.5 हज़ार ग्राफ्ट लगेंगे और 5 PRP लेना पड़ेगा, मेडिसिन लेना पड़ेगा। और उसके बाद में उन्होंने बोले कि आपको फॉलोअप करना पड़ेगा, पर महीने में 1 PRP के लिए इधर आना पड़ेगा। मेरे से इतना नहीं होता था। फिर मैं यूट्यूब पे देखा भूपेन भाई का चैनल, उनके साथ में बात किया और फिर इधर आया, ट्रांसप्लांट किया। और इधर मेरे को इतना ग्राफ्ट नहीं लगा जितना वो डॉक्टर मेरे को बोल रहा था, 3,500 ग्राफ्ट इतना नहीं लगा। इधर मेरा काम 2,325 तक के हो गया। और यहाँ पे एक नंबर देख, आप भी देख सकते हैं अभी डेंसिटी कैसी है क्या नहीं है। तो भाई लोग फ्रॉड से कैसे बचने का है, अपना मेहनत का पैसा रहता, अपन दिन रात एक करके पैसा कमाते इधर उधर। अपन कोई डॉक्टर को कॉल करते हो, बोलता क्लिनिक पे आ जाओ, उधर जाने के बाद में आपको लगते हैं 2,500 ग्राफ्ट, तो डॉक्टर बताता 3,500 लगेंगे आपको ऐसा वैसा। मेरे साथ में भी ऐसा हुआ, मैं क्लिनिक पे गया जिधर मेरे को 2,300 ग्राफ्ट लगने का था, उधर मेरे को एक डॉक्टर ने बोला कि तेरे को 3,500 ग्राफ्ट लगेंगे, प्लस तेरे को PRP लेना पड़ेगा, 5 PRP लेना पड़ेगा, हर PRP के लिए तेरे को अप डाउन करना पड़ेगा इधर। और मेरा क्या है, मैं काम करके मेहनत करके पैसा कमाता और मेरा पैसा मेरे काम का है। और वही मैं वो क्लिनिक में नहीं किया, फिर मैं भूपेंद्र भाई से बात किया और इधर क्लिनिक पे आया और इधर आज मेरा ट्रांसप्लांट कराया। और इधर के डॉक्टर साहब एक नंबर है, इधर कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। क्लिनिक में कि क्या होगा क्या नहीं, हेयरलाइन सही मिलेंगे कि नहीं, डेंसिटी मिलेंगी कि नहीं। इधर आया डॉक्टर साहब से बात किया, वो बोले घबराओ मत, कुछ नहीं कुछ नहीं। उन्होंने मेरे को बताया, मैंने उनको पूरा क्लियर किया, सर डेंसिटी कैसी रहेंगी, हेयरलाइन कैसी रहेंगी, पूरा हर एक सवाल का जवाब मेरे को मिला। यहाँ पे मेरा ऐसा कुछ भी मेरे को ऐसा नहीं लगा कि थोड़ा भी ऐसा गलत होने वाला है मेरे साथ में, कुछ भी नहीं, थोड़ा भी नहीं। और बहुत अच्छे से मेरी सर्जरी हुई, अभी आप देख सकते हो, ये देखो पूरा फीलिंग हुए हुआ है और फुल डेंसिटी है एकदम। खुश हूँ मैं आज इधर सर्जरी करके। बस आप लोगों को यही बोलने का है कि फ्रॉड से बचो, सच्चा क्लिनिक देखो, ये इसके उसके बोलने के कोई यूट्यूबर के चक्कर में ना आओ। और यूट्यूबर भी देखेंगे तो सच्चे यूट्यूबर देखो, जो तुम्हारे को तुम्हारे फायदे की बात बताएंगे, ना कि खुद के फायदे की बात। नमस्कार दोस्तों, आज पेशेंट की ट्रांसप्लांट की डेंसिटी देखेंगे, उनकी हेयर ट्रांसप्लांट कैसा हुआ ये समझेंगे। आपकी स्क्रीन पर जो कि आपको दिख रहा होगा कि इनके बॉल्डनेस की फ़ोटो है, हेयर लाइंस पूरी पीछे जा चुकी है और दोनों तरफ के कॉर्नर वो पूरे पीछे चले गए हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो बॉल्डनेस है 3rd से 4th grade का बॉल्डनेस है। इस बॉल्डनेस में आप पूरा हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। सामने हेड जो दिख रहा है आपको, थोड़े थोड़े बाल दिख रहे हैं, वो भी आप कवर करवा सकते हैं, उससे आपको कोई भी प्रॉब्लम आगे चल के नहीं होगी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं इनकी डेंसिटी की तरफ, कैसा इनका ट्रांसप्लांट हुआ। इनके रिव्यू में मुझे कुछ कुछ बातें बहुत अच्छी लगी है जो आप लोगों को ध्यान देनी चाहिए। जस्ट लाइक दोस्तों कि इन्होंने बताया कि आपको कैसे क्लिनिक चूज़ करना है, कैसे लोगों को समझना है, आपको किसी भी अदर व्यक्ति की बातों में नहीं आना है। ट्रांसप्लांट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या होती है, वो होती है दोस्तों डेंसिटी। डेंसिटी आपको जितना अच्छा मिलता है, जितनी अच्छी ग्राफ्टिंग की जाती है, जैसे लाइक आप फोटो पे देख सकते हैं, इस क्लिनिक की खासियत यही है डेंसिटी। ये जितना अच्छा डेंसिटी हो सके उतना ज़्यादा डेंसिटी देते हैं। zigzag पैटर्न में इनका काम किया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा मोटी डेंसिटी बनाई गई है FUE टेक्निक निकालने के लिए और नीडल टेक्निक लगाने के लिए। ये सबसे सेफेस्ट और सही टेक्निक होता है हेयर ट्रांसप्लांट में। तो आप भी हेयर ट्रांसप्लांट करवाइए, अच्छा ट्रांसप्लांट करवाइए, डेंसिटी के ट्रांसप्लांट करवाइए, जिससे आपको इन फ्यूचर में कोई एक्स्ट्रा गोलियां और मेडिसिन खाने की ज़रूरत ना पड़े। अधिकतर मेरे रेफरेंस से जिन्होंने भी हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है उनको कोई एक्स्ट्रा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। आप भी अगर ऐसी हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं, घने बाल चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है क्लिनिक का, कॉल कीजिए और अपनी जानकारी प्राप्त कीजिए। मिलता रहूँगा ऐसी नेक्स्ट वीडियो में रिजल्ट रिव्यू के साथ। चलता हूँ दोस्तों, सायोनारा, स्टे ट्यून्ड।